मालिकी साजनवाजी प्यारी सत्संग जीओ, सत्संग ऐसी जगह यहां आत्मिक शांति मिले, यहां आने से इंसान को इंसानियत के बारे में पता चले। सत्संग यहां आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। पर सत्संग को शांति से चुपचाप लगन से सुनना चाहिए। जो सत्संग में शोर करते रहते हैं वो खाली ही जाते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सत्संग तो उन्हीं को फल देती है जो भावना से सुनते हैं और अमल करते हैं। खाने पीने का सामान कितना भी सामने क्यों ना हो, जब तक खाओगे नहीं ना तो स्वाद आता है और ना ही ताकत आती है। उसी तरह सत्संग है, खाना यानी सत्संग सुनना, निगलना यानी अमल करना। पहले सुनो और फिर अमल करो तो सत्संग का फल 100% मिला करता है। घोर कलयुग है, दूसरे शब्दों में भयानक से भयानक बुराई का समय। इंसान को यह हो जाता है वो यकीन करे तो किस पे करे, अच्छा कहे तो किसको कहे, क्योंकि खुद गर्जी इतनी बढ़ गई है, खुद गर्जी इतनी बढ़ गई है कि इंसान इंसानियत को छोड़ के शैतान बन रहा है। और संग का रंग लाजमी चढ़ता है, किसी का भी संग करो उसका असर आप पे जरूर आएगा। कहते हैं कोयले की खान में जाने से कालिक से बचा नहीं जा सकता, नमक की खान में जो जाते हैं वो नमकमय जरूर हो जाते हैं। कोयल और काग एक जैसे लगते हैं पर जमीन आसमान का अंतर है। कूड़ा करकट गोबर यहां पड़ा है उसमें अगर फूलों के पत्ते भी डाल दोगे तो वो खाद बनेगा, खुशबूदार चीज नहीं बन सकती। इसलिए अपने आप को बचा के रखो संग से। बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है, यानी इंसान अच्छा चाहे क्यों ना हो पर अगर बुरे लोगों का संग करेगा, बुरे लोगों की सोहबत करेगा तो लाजमी बुरा बन जाएगा। कड़वा पानी खारा पानी धरती से निकलता है
कितनी भी चीनी डाल लो वो कड़वापन त्यागेगा नहीं। और दूसरी तरफ गंगा जल में कितनी बदबूदार शराब डाल दो वो गंगा जल ही कहलाता है। इसलिए संग हमेशा अच्छा करो, बुरे संग से बच के रहो, क्योंकि आदमी का मन चलायमान है, गतिशील है, ये एक जगह नहीं रुकता। कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन्हीं में घूमता रहता है, इन्हीं में चक्कर लगाता रहता है। इंसान बैठा कहीं और होता है और सोच कोई और चल रही होती है। इंसान दिखता कुछ और है पर अंदर कुछ और है। जो ऐसे होते हैं वो कभी भी ना तो जिंदगी में खुद सुख लेते हैं और ना अपने साथियों को लेने देते हैं। खुद भी तड़पते हैं और परिवारजन भी तड़पते हैं। पर जो अच्छा होता है वो बुरों को भी बदल के अच्छे बना लेता है। इसलिए संग सोहबत हमेशा अच्छे लोगों की करो। पर आजकल लोगों को चस्का बहुत पड़ा हुआ है। सामने दो लोग बातें करते हैं और तीसरे जो दूर से देख रहा उसे होता है यार मुझे पता चलना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। और कईयों को आदत होती है कमरे में कोई बात कर रहा है उसका कान कमरे के गेट पे लगा हुआ है, अंदर क्या चल रहा है। जिज्ञासा गलत नहीं, पर जिज्ञासा को बुराई की तरफ ले जाओ तो वो बुद्धि बुरी बन जाती है। और इसी को अच्छी तरफ मोड़ लो तो भगवान से भी मिला सकती है, क्योंकि जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी श्रद्धा, जितनी तड़प होगी, उतनी जल्दी ही अल्लाह वाहिगुरु राम मिला करते हैं। बिना तड़प के गाते रहो, बोलते रहो, सुनाते रहो। हमने सभी धर्मों में देखा, कईयों में देखा सज्जन सुना रहे होते हैं, मुंह जवानी सुनाते हैं, लेकिन उनकी निगाह भगवान अल्लाह राम पे नहीं होती। उनकी निगाह आने वाले हर इंसान के हाथ पे होती है, वो कितने चढ़ा रहा है, कहीं उठा के तो नहीं ले जा रहा। बड़ी हैरानी होती है, अगर वो पैसा ईश्वर का है तो कोई उठाएगा तो अंधा ना हो जाएगा। अगर वो ईश्वर का नहीं है तो तू उठाएगा तो वो उठाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चिंता होती है कि भाई जोर मेरा लग रहा है, कोई और ही ना उठा के ले जाए। आजकल धर्मों की सच्ची बात लोग बताते नहीं, और बताते हैं तो खुद अमल कमाते नहीं। और जो खुद अमल नहीं करता उसकी बात का असर कभी किसी पे नहीं होता। पहले खुद अमल करना सीखो, फिर दूसरे को समझाते हुए अच्छे लगते हो।
اگر دیے تلے اندھیرا ہے تو دوسروں کو روشنی ملے نہ ملے کیا فائدہ؟ انسان کو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، پھر بہت ہی اچھا ہے اگر وہ دوسروں کے عیب گناہ چھڑوانے کے لیے اسے ستسنگ لے آئے، اللہ واہگرو رام کے نام سے جوڑ دے۔ وید گرنتھوں میں لکھا ہے اس کلی یگ میں برے کرم کرنے والے کو اگر آپ اللہ واہگرو رام سے جوڑو گے، اس کی برائیاں چھڑوا دو گے، تو جس طرح کوئی کٹتے ہوئے جیب کو گو کو بچڑ کھانے سے بچا لیتا ہے، اسے ہزاروں گنا پنیہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ یہ کرم کمایا کرو، یعنی آپ کے ارد گرد جو نشے میں دھت رہتے ہیں، جو برائیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا پیشہ غلط کرم ہے، انہیں رام نام سے ضرور جوڑا کرو۔ بھگوان کی طرف سے وہ خوشیاں تو ملیں گی، کیونکہ اس کے بچھڑے ہوئے بچے کو آپ نے اس سے ملایا، پر اس آدمی کا پریوار، جو آدمی سدھر گیا، ساری عمر آپ کو دعائیں دیتا رہے گا کہ بھائی آپ نے ان کی زندگی بدل دی، نرک سے سورگ بنا دیا گھر کو۔ نرک کوئی الگ نہیں ہوتا، یہاں نشہ کرتے ہیں، یا ماس کھا کے ہڈیاں ادھر ادھر پھینکتے ہیں، یا الٹیوں کے تالاب بن جاتے ہیں، وہی نرک ہوتی ہے۔ اور کہاں وہیں پہ خوشبو ہوتی ہے، اللہ واہگرو رام کے نام کی چرچا ہوتی ہے، بڑے چھوٹوں کا پیار اور چھوٹے بڑوں کا ستکار کرتے ہیں، یہی سورگ ہوتا ہے۔ اگر یہاں نرک بھوگ رہے ہو تو اگلے سورگ کی امید نہ کرو، اگر یہاں سورگ بن گیا تو انامی کی امید کرو تاکہ آواگمن ختم ہو جائے۔ ستسنگ میں آنے سے غم چنتا پریشانیاں مٹ جایا کرتی ہیں، ستسنگ میں آنے سے انسان کو سوچی آتی ہے، سمجھ آتی ہے، اور ستسنگ میں آ کے سمرن کر کے عمل کرنے سے ہر دھرم کے پوتر گرنتھ کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ستسنگ سنو اور اس پہ عمل کیا کرو۔ جب تک آپ سنتے نہیں، عمل کرتے نہیں، تب تک آپ کورے یعنی خالی رہتے ہو۔ بن عملوں کے عالما علم نکما سارا، بن عملوں کے عالما علم نکمے سارے، کوئی عمل کما لے تو اگر جس لینے مالک دوارے، اگر جس لینے ستگرو دوارے۔ تو سنگ اچھا کرو گے تو سمجھ آئے گی، ستسنگ کرنے سے جنموں جنموں کے پاپ کٹتے ہیں اور اس جنم کے کیے ہوئے برے کرم ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے رام نام کے پجاری بنو، اللہ واہگرو کا نام جپو، پرم پتا پرماتما سے ابل پریم رکھو،
क्योंकि वो एक ऐसा यार है, उससे यारी लगा ली, आप छोड़ोगे तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा, और वो ऐसा पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, यही नहीं अगले जहान में भी आप पे विपता नहीं आने देगा। इसलिए गुरु संत पीर फकीर कहते हैं, कच्चो यानी जो कच्चे दोस्त हैं, जो बात बात पे रूठ जाते हैं, उनसे तोड़ और पकड़े से जोड़, यानी सतगुरु अल्लाह राम से जोड़ो, उससे अगर लिब लग जाती है, उसकी भक्ति इबादत में अगर लग जाते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते जो खुशियां आपको मिलेंगी। कल्पना से परे खुशियां मिलती हैं, परमानंद मिलता है। तो भाई हमेशा याद रखो कि सत्संग सुनना है और अमल करना है। सत्संग पे एक सच्ची बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं, बहुत पहले की बात है। एक शातिर चोर था, इतना शातिर कि वो आसपास के राज्य में चोरी करता पर पकड़ा नहीं जाता था। लोगों ने बहुत जोर लगाया, राजा महाराजाओं ने बहुत जोर लगाया, लेकिन किसी की समझ नहीं आया चोर कौन है। आखिर समय आता है, उस चोर का भी अंतिम समय आया, वो जाने लगा और जाते जाते अपने बेटे को शिक्षा दी। कहने लगा, बेटा चोरी के ये मंत्र हैं, और जब चोरी करो तो कभी भी माल अपने पास ना रखो, सबसे पहले सामान को खुर्द बुर्द कर दो, फिर चोरी कर ली तो कभी मानो ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक मानोगे नहीं आप चोर साबित नहीं होगे। बेटा कहने लगा, ठीक है पापा, ठीक है पिताश्री, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर चोर कहने लगा, रे एक बात तो रही गई। कहने लगा, कौन सी? कि जब संत पीर फकीर की कहीं सत्संग हो तो उसमें मत जाना, अगर चले भी गए तो संतों की बात कभी ना सुनना। चोर का बेटा कहने लगा, ठीक है पिता, और वो चोर मर गया। अब चोर के बेटे ने चोरियां शुरू कर दी, पकड़ा नहीं गया, लेकिन एक दिन बादशाह का खजाना हीरे जवाहरात चुरा के भाग रहा था तो सैनिकों की निगाह में आ गया, सैनिक पीछे पड़ गए, वो भाग रहा है। भागते भागते उसने देखा नगर में बड़ी धर्मशाला है और उसमें लोग बहुत जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ हो लिया, और पिता का बताया मंत्र, हीरे जवाहरात एक बहन को देख के ये भोली भाली लगती है, उसके बैग में डाल दिए और खुद सबके साथ अंदर जाके बैठ गया। जब अंदर जाके बैठा तो उसने देखा कि सामने तो एक संत बैठे हैं,
एक फकीर बैठे हैं, तो उसने अपने दोनों अंगुलियां कान के ऊपर रख ली, कहीं कान में कोई संतों की आवाज ना पड़ जाए, दबा के उंगलियां बैठ गया। पर अचानक आदमी की फितरत है, अगर आपको बोले ना कि उधर बहुत खूबसूरत कुछ है, कहीं तो अभी देखने लग गए, जिन्होंने नहीं देखा वो बाद में देखेंगे, अच्छा क्या था उधर, यानी जिधर से रोका जाए नेचुरली उधर ध्यान ज्यादा जाता है। तो चोर ने सोचा, यार ये संत ऐसा क्या करते हैं, लोग तो ताड़ियां मार रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, मैं सुनूं तो सही। उसने कान से उंगलियां हटाई और संतों का वचन आया, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। इतना सुना कि तो अच्छा ये तो बोल रहे हैं, झट से कान बंद कर लिए। सत्संग समाप्त हुआ, चोर बाहर निकला, उसकी पहचान थी सैनिकों को, और सैनिक जैसे वो बाहर निकला उसको पकड़ के ले गए, राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा, क्या इसके पास चोरी का सामान मिला? तब सबसे बड़ा सबूत यही होता था कि चोरी का सामान मिल गया तो चोर है। कहते जी वो तो नहीं मिला। कहते फिर किस आधार पे कहते हो? कहते जी हमने इसको खुद देखा है भागते सामान उठा के। उसको जेल में कर दिया, बहुत प्रयत्न किया कि मान जाए, नहीं माना। एक औरत जासूस थी, कहने लगी, बादशाह सलामत, अगर कहो तो मैं मनवा लेती हूं। कहने लगी ठीक है, चोर अंदर कोठड़ियों में बंद है, और अचानक क्या देखता है, गेट खुला है, धड़ाम से पहरेदार गिरे, दूसरा खुला, तीसरा खुला, सब गिर रहे हैं, और अचानक देवी मां आ रही है, चार हाथ, वो जो देवी की आकृति दिलों में होती है बिल्कुल वही देवी आ रही है। चोर हक्का बक्का रह गया कि ये तो मेरी श्रद्धेय है, इसको तो मैं अपनी इष्ट मानता हूं। देवी आई, चोर रोने लगा, ओ मां तू आई है, मेरी पूजा मैं करता रहा, तुझे याद करता रहा, देखो मैं यहां फंस गया, मेरा बुरा हाल है, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। तो देवी ने आशीर्वाद दिया, देवी माता ने, और बोलने लगी, बेटा मैं तेरे दुख हरने के लिए आई हूं, फिक्र मत कर, आज मैं तुझे बाहर ले जाऊंगी। अचानक चोर ने देखा, देवी मां की परछाई नीचे से होती हुई दीवार के ऊपर तक जा रही है। चोर शातिर तो था, झट समझ गया। देवी कहती, बस तू सच सच मुझे बता दे, चोरी की है कि नहीं की, मैं तेरे गुना माफ कर दूंगी। अब चोर तो समझ चुका था, वो आगे से चार गुना ज्यादा रोने लगा, पूरी एक्टिंग कर लिया, मां मर गया मैं तो, तेरा रखने का हूं, मैंने चोरी तो क्या, मैं तो चोरी की तरफ मुंह भी नहीं करता। कहती, बेटा देख ले वरना नरकों में जाएगा। कहता, मां मुझे यही नरक दे दे, अगर मैं झूठ बोलूं तो, क्योंकि चोर को पता था कौन सी माता है। तो वो औरत जासूस जो बन के आई थी, माता कहती ठीक है बच्चा चल मेरे साथ, उसके साथ हो लिया। सैनिकों को कहती राजा के पास ले जाओ, वो कहती जी देवी मां। वो राजा के पास ले गए, वो औरत जो देवी बनी थी भेष बदल के राजा के पास पहले पहुंच गई। कहने लगी राजन उसने चोरी नहीं की। राजा कहता तू इतना पक्के से कैसे कह सकती है? कहने लगी ये लोग देवी मां को मानते हैं, और मैं ऐसे ऐसे रूप बदल के गई थी तो ये माना ही नहीं। मैंने इससे पूछा सब कुछ, बड़ी श्रद्धा से इसकी आंखों में,
جار جار رو رہا تھا پر یہ کہہ رہا تھا میں نے چوری نہیں کی. تو راجہ کہتا یہ تو صحیح ہے, چھوڑو اس کو بے گناہ ہے. اس کو چھوڑ دیا گیا. اب اس نے آپ دیکھا نہ تاپ, بھاگا اس دھرمشالا کے پاس کہ وہ سنت کہاں ہے. وہ نہیں ملے, وہ تو چلے گئے. پتا کیا کس, وہ کہتے دوسرے نگر میں ہیں. وہ دوڑا دوڑا گیا اس نگر میں پہنچا, سنت بیٹھے ہوئے تھے, دھڑام سے جا کے چرنوں میں گرا, ہے گرودیو میرے پہ کرپا کیجئے, میری رکشا کی ہے آپ نے, میرے زندگی بخشی ہے آپ نے. تو سنت مسکرائے, کہنے لگے بیٹا ہم نے تو کچھ نہیں کیا, جو کرتا بھگوان. کہتا آپ فلاں نگر میں ستسنگ کر رہے تھے اور میں نے ستسنگ سننا نہیں تھا, میرے باپ نے روکا تھا, پر جگیاشا ہوئی کہ کیوں روکا تھا, ایسا یہ سنت کیا بولتے ہیں. تو میرے کانوں میں پڑا کہ دیوی دیوتاؤں کی پرچھائی نہیں ہوتی. تو اس نے پوری بات بتائی کہ آپ کی ستسنگ کے ایک لائن نے آج میری زندگی بخش دی. اگر میں پکڑا جاتا تو سوڑی پہ چڑھا دیا جاتا. تو اگر پورا ستسنگ سنوں اور آپ کا رام کا نام لوں تو پتہ نہیں مجھے کیا مل جائے گا. اور یہی سچ ہوتا ہے, سنت ستسنگ اپنی بڑائی کے لیے نہیں کرتے. ہم تو خاکسار ہیں, چونکی دار ہیں, آپ کے سیوا دار ہیں بھائی. وہ ایک کی بڑائی کرتے ہیں جس کے اربوں نام ہیں, اوم ہری اللہ گوڈ خدا رب واحگرو پربھو بھگوان مالک رب, وہ ایک ہے. وہ اس کی بڑائی کرتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں کہ اس کا نام جپا کرو. جس طرح سوڑی سے اس کے کرم بدل گئے چور کے, ارے آپ کے بھی پتہ نہیں کتنے بھیانک کرم, کتنی بھیانک چنتائیں جل کے راکھ ہو جائیں گی. کیونکہ وہ بھگوان, وہ پربھو, وہ پرماتما دیا کا ساگر ہے, رحمت کا داتا ہے. وہ اتنی رحمتیں بخشتا ہے, اتنی دیا میں کرتا ہے کہ اس کی کلپنا بھی آپ نہیں کر سکتے. اس لیے ستسنگ سنا کرو, خاص کر کے ماتا بہنوں آپ بہت شور کرتی ہو, جیسے اب بیٹھی ہو ایسے جب ہم آتے تبھی بیٹھ جایا کرو چپ چاپ, کیونکہ اگر دو لائنیں بھی نکل گئی تو ہو سکتا ہے جو مقصد آپ لے کے آئے ہو اسے خالی رہ جاؤ. سمرن کرنے اٹھتے ہیں, چار کا الارم لگا دیتے ہو, پونے چار جاگ آ جاتی ہے, من کہتا ہے یار پندرہ منٹ نیند کے خراب کو کرے سو جاؤ, اور سات بجے اٹھتے ہو, سارے الارم فیل, الارم بج بج کے سیل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اگلے دن سیل ہے یہ بولا ہی نہیں, میں کیا کروں, بولے گا کیسے جب تین تین گھنٹے بول رہا ہے. ایک ہمیں بچوں نے دکھایا موبائل پہ, الارم بھی بجتا ہے اور جب آدمی نہیں اٹھتا الارم تیز ہوتا ہے تیز ہوتا ہے تیز ہوتا ہے, اور ایک جگہ جا کے اس میں سے ہاتھ نکلتا اور تھپڑ مارتا تڑاک. بچوں نے دکھایا اور وہ آدمی جھٹ سے کھڑا ہو جاتا, یہ کیا ہو گیا. ویسے جن کو زیادہ نیند آتی ہے ایسا الارم رکھ لینا چاہیے سمرن کے لیے, کیونکہ آپ کا ہی بھلا ہے. صبح کا سمرن دو سے پانچ کا برہم مہورت امرت ویڑا گاڈس پرے ٹائم ارلی مارننگ بٹوین 2 to 5, یہ جو سمے ہے ناسا سائنس کیندر امریکہ بھی کہتا ہے کہ اس میں آکسیجن پیور اینڈ مور, آکسیجن شدھ ہوتی ہے, ہوا شدھ ہوتی ہے اور زیادہ آکسیجن رہتی ہے. تو اس لیے ویسے سمے تو یہی بڑھیا ہے, پر جب جاگو تبھی سویرا, جب جاگتے ہو تبھی سمرن کر لیا کرو بھائی. پر کئی تو سوتے رات کے 2 بجے اسکیم شروع ہوتی ہے کہ سوئیں کیا, 3-4 بجے جا کے سوتے ہیں اور سورج بیچارہ چیخے مارتا ہے تب جا کے اٹھتے ہیں, یعنی دوپہر ہو جاتی ہے جب. تو یہ عجیب و غریب سونے کا ٹائم ہے, عجیب و غریب یہ کل یگ ہے. ہم نے تو کہہ کے دیکھ لیا بچوں کو, مطلب ہی نہیں یہ بدل جائیں. بارشاں عادتاں بدل جاندیاں جی, پامے کٹیے پوریاں پوریاں جی. چاہے مزاجی عشق میں کہا ہو پر کئی لائنیں فٹ بیٹھتی ہیں کئی لوگوں پہ.
कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, उनकी सुई वहीं की वहीं। बड़े बहाने होते हैं, बच्चे नहीं सोने देते। अच्छा, हमने तो बच्चे पाले नहीं ना, आप अलग से पाल रहे हो, ऊपर से टपके हैं क्या आपके वाले? माता जी से पूछ लेना कभी, हम बच्चे हमारे भी तो थे, लेकिन सही 7 बजे सारे खाना खाते थे, वो भी खाते थे, 9 बजे सब लोग सो जाते थे, वो भी सोते थे, 4 बजे हम लोग उठते थे, 5 बजे सुबह वो उठ जाया करते थे। आपके वाले कोई एलियन है क्या जो ऊपर दुनिया से आए हैं? नहीं, सोना खुद ने गलत होता है और दोष बच्चों को, जब उसको सोने ही नहीं दोगे बेचारे को, क्योंकि आपको होता है मैं जब सोऊं तब वो सोए, टाइमिंग सही रहे, तो ये गलत काम ना करो, बच्चों को भी बिगाड़ते हो खुद भी बिगड़ते हो। सो सही टाइम पे सोया करो, सही टाइम पे उठा करो। अच्छे हैं जो बच्चे सही टाइम पे उठते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा कहता है रात का भोजन सूरज रहते रहते करो तो बेस्ट है। बैक्टीरिया वायरस नहीं होते, साइंस को चैलेंज करते, चाहे आप जाके पढ़ लो, साइंस में भी यही मिलेगा जो आयुर्वेदा में लिखा है। क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती है बैक्टीरिया वायरस भी बढ़ते हैं, पर आज वालों का तो डिनर ही होता है 12-1 बजे, चक्कर तो ये है ना, रात की रोटी तो किसी को आती ही नहीं, डिनर गांव वाला कहते कहते ले, अनपढ़ गवार। तो सुबह लोग जल्दी इसलिए लेते थे कि सुबह दूध ताजा निकलता था और उसको जल्दी जल्दी ले लेते थे। दूध अगर बिना उबाले घंटा 2 घंटे 3 घंटे पड़ा रहे तो उसमें बैक्टीरिया वायरस बन जाते हैं, उसको जहां तक हो निकलते ही जल्दी से पियो, अदरवाइज उसको उबाले देके रखो ताकि वो चीजें उसमें पनपे ना, ये जरूरी होता है। पर कई कुडर साहब होते हैं वो कच्चा ही रख लेते हैं और फिर बीमार होते रहते हैं, कभी पेट खराब, कभी उल्टी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो फिर कहते यार दूध में कुछ डाला तो नहीं, डाला नहीं तूने डलवाया है। तो इसलिए ये चीजें ख्याल में रखनी चाहिए। तो सत्संग में आपको दुनियावी चीजों का भी मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है भाई, होना तो रूहानियत का चाहिए, पर परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने आपकी दुनियादारी भी तो देखनी है ना। तो ये 100% आप अमल कर लो, अगर फर्क ना लगे तो कहना। ये जो डिनर है उसको, डिनर को जो आपकी इवनिंग टी होती है ना उसमें ले आओ, और इवनिंग टी को थोड़ा सा बैक गियर पीछे ले आओ। पढ़े लिखों की इवनिंग टी होती है 5 बजे 6 बजे, तो आप 7 बजे शायद दिन छिपता होगा या 6 बजे जब भी है 7-1 करीब, तो उस समय खाना खा के देखो। और सोने से पहले अगर फ्रेश दूध थोड़ा सा ले लिया जाए तो डाइजेस्ट के लिए, शरीर के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है, ये कहता है आयुर्वेदा। सो भाई आप उस परमपिता परमात्मा की औलाद हो, और जो उसकी औलाद है वो फकीर की औलाद पहले होती है। इसलिए मां बाप को अपने बच्चों का फिक्र होता है, हमें आपका फिक्र है, चाहे सफेद दाढ़ी है आपके चाहे काली है, हमें आपका फिक्र है, आपको कोई रोग ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आपको कोई टेंशन ना आए, आपको कोई तकलीफ ना आए, हमेशा यही ख्याल रहता है। आप कोई गलत कर्म ना करें जो आगे भोगने पड़े आपको, इसलिए सत्संग में हर तरह की बात आपकी सेवा में अर्ज करते रहते हैं।